अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे और अज़ीज़ दोस्तों, हमारे वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान में मुसलमानों की ऐसी हालत हो चली है, अगर मैं यूं कहूं तो बेजा ना होगा कि कोई एक ज़ख़्म हो तो दिखाएं साहिब, कोई एक गम हो तो सुनाएं साहिब। अब तो यहां मुजस्मा के देखिए बन चुका है, लिहाजा मुसलमानों की हालत इतनी ज़्यादा के देखिए कमज़ोर होती चली जा रही है कि हर तरह से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन अब बिल्कुल नया मामला देखिए ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है मुस्लिम पक्ष बच्चियों के और इस्लाम ने जो औरतों को हिजाब दिया है उसको बचाने की एक बड़ी भारी और बड़ी सख्त क्या देखिए लड़ाई लड़ रहा है। मैं आपको देखिए पूरी बात बताता चलूँ कि अभी चंद दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका का जवाब देते हुए वहाँ के देखिए चीफ जस्टिस ने यह कह दिया था कि इस्लाम के अंदर नमाज अनिवार्य नहीं है, इस्लाम के अंदर दूसरी चीज़ें देखिए ज़रूरी नहीं है, तो हिजाब क्यों ज़रूरी हो। लिहाजा उसको लेकर के जो है बहुत बहस हुई थी। बाद में फिर ये हुआ कि कुरान को देखा जाए, कुरान भी क्या देखिए लाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ को मानने से मना कर दिया था कि हम कुरान की जो है यहाँ जाँच करने के लायक नहीं हैं। लिहाजा उसको लेकर के देखिए कपिल सिब्बल हो या फिर सलमान खुर्शीद हो या फिर देखिए प्रशांत भूषण हो, जिन्होंने बहुत बड़ी बहस की और ये दिखाया सुप्रीम कोर्ट को कि इस्लाम के अंदर हिजाब भी ज़रूरी है और इस्लाम के अंदर नमाज भी ज़रूरी है। लिहाजा उसी को लेकर के अब देखिए नया मोड़ आया है, जहाँ मोड़ ये है कि मुस्लिम बच्चियों के हिजाब को लेकर के जहाँ कर्नाटक हाईकोर्ट ने बिल्कुल नकार दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने अब इस बात को मान लिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि इस्लाम के अंदर हिजाब भी अनिवार्य है, हिजाब भी ज़रूरी है और कुरान भी ज़रूरी है, नमाज भी ज़रूरी है, रोज़ा भी ज़रूरी है, ज़कात भी ज़रूरी है और हज भी ज़रूरी है। इसलिए कि पिछले हफ्ते देखिए इन तमाम चीज़ों का इनकार कर दिया था, लेकिन कुछ बड़े वकला इसमें शामिल हुए जिससे मुसलमानों को कुछ राहत की खबर है। लिहाजा अभी क्या कुछ होना है, इसलिए कि 20 तारीख को जो है इसका फ़ैसला होगा या फिर ये कि 22 तारीख को इसका फ़ैसला होगा, क्या कुछ होगा वो देखने वाली बात होगी। क्या मुसलमान इस हिजाब को बचा पाएंगे? लेकिन मैं फिर भी देखिए एक बात कहूँगा, जहाँ कम्युनिटी हुआ करती है, जहाँ तादाद ज़्यादा लोगों की होती है, वहाँ हर चीज़ का देखिए बस्ती नज़र आती है। हिजाब बदकिस्मती से आज मुस्लिम बच्चियों का कहीं कहीं है, इसलिए देखिए ये मारामारी के मसले में है। लिहाजा आगे क्या होता है इंशाअल्लाह ताला वो आपके सामने पेश करेंगे। गुजारिश है कि इस अहम क्लिप को दूसरों तक पहुँचाइए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।